हेलो एवरीवन, एनवायरमेंटल साइंस में आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटमॉस्फेयर और क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इससे पहले जो लेक्चर में डिस्कशन किया था उसमें हमने बात करेंगे सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट की, जिसमें एनवायरमेंट के सेगमेंट को फोर पार्ट से डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था इथोस्फेयर, सेकेंड वन बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, कि भी कौन सी लेयर कितनी किलोमीटर कितनी फीट से है और कौन सी लेयर किस चीज के लिए स्पेशलाइज है। ठीक है, ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे आज के इस सेशन। तो उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट की चार सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फीयर का क्या मतलब है या फिर किस तरीके की एक तरीके से एनवायरमेंट है या साइंस है एनवायरमेंट की। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट में फर्स्ट वन है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? रॉक और सॉइल से मिक्सअप जो एक लेयर है अर्थ की, वो क्या है? लिथोस्फीयर है। ठीक है, अब जो ये अर्थ है, अर्थ का जो आउटर पार्ट, ठीक है, आउटर लेयर जो कि रॉक से बनी हुई है या फिर सॉइल से बनी हुई है लेयर, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। अब जैसे कि हमें पता है सॉइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? सॉइल बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर रही है, डिफरेंट तरीके से रोल प्ले कर रही है, फर्टिलाइजेशन में या फिर एग्रीकल्चर की बात करें उसमें। तो ये जो साइंस है एनवायरनमेंट की, लिथोस्फीयर की, ये रॉक और सॉइल से रिलेटेड है। इसमें हम डिस्कशन करते हैं, इसमें हम समझते हैं कि भाई रॉक जो हमारी चट्टानों पर की जो चट्टानें हैं उनको बनाती है, सॉइल कितने टाइप की सॉइल्स होती है और उनको उन सॉइल्स का क्या क्लासिफिकेशन है और क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बात करूँ लिविंग बींग्स की बात करूँ, एग्रीकल्चर की बात करूँ, ऑर्गेनिज्म की बात करूँ। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस पार्ट सेगमेंट का पार्ट है वो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हम बात करते हैं वाटर रिजर्वोयर्स, ठीक है, वाटर बॉडीज की बात करते हैं, जैसे कि रिवर्स है, अर्थ पे आपने देखा होगा बहुत सारे ग्लेशियर्स होंगे, सी है, अर्थ है। 97% ऑफ एरिया अर्थ का पानी से फुल है, सब जगह पानी फैला हुआ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे हम ग्लेशियर की बात करें, लेक की बात कर लें, पॉन्ड की बात कर लें, ठीक है, वाटर रिजर्वोयर की बात कर लें। तो ये जो मतलब कि नॉलेज है वाटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हाइड्रोस्फीयर में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में बात करते हैं लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, ठीक है, जिसपे जिस सराउंडिंग में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग बींग सर्वाइव कर रहे हैं, प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, बायोस्फीयर हमारे आसपास का एरिया, जो ऐसे फैक्टर्स जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हमें बात करूँ अर्थ पे लिविंग बींग्स की, तो उनको सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत है। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। सेकेंड जो है वाटर, पानी के बिना भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनको वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, और साथ के साथ फूड, फूड रिक्वायर्ड है, जीने के लिए उनको खाने की जरूरत है। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो डिस्कशन हम करते हैं, इन सब चीजों की जो हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेगमेंट एनवायरमेंट की, एटमॉस्फेयर अगला सेगमेंट है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीजें हो रही हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर है, चाहे उसमें एयर इंक्लूड हो, वाटर इंक्लूड हो, अदर चीजें इंक्लूड हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई किया गया है हमने फोर पार्ट में, और ये पार्ट क्या है भाई? अर्थ की लेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन में एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द इट इज नोन एज फर्स्ट लेयर, ये अर्थ की फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थ से, तो अर्थ से एवरेज हाइट 38,000 फीट या फिर 11 किलोमीटर,
अगर मैं 8 से 11 किलोमीटर ऊपर की बात करता हूँ तो जो लेयर आती है उसको ट्रॉपोस्फेयर कहते हैं। वो क्या है? ट्रॉपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रॉपोस्फेयर लेयर है। इसका एक पूरा डायग्राम बनाऊंगा मैं, वो बताऊंगा आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती है और उसका क्या क्या मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। जो ट्रॉपोस्फेयर है इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वो 55 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ट्रॉपोस्फेयर की बात करूं तो ट्रॉपोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द थिकनेस ऑफ ट्रॉपोस्फेयर वेरी विद लोकेशन एंड सीजन, सीजन के हिसाब से इसकी थिकनेस क्या है चेंज होती रहती है। एवरेज हाइट जो है वो 38,000 फीट है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 66.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेयर है ट्रॉपोस्फेयर के बाद, जैसे यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये जो फर्स्ट जो लेयर आएगी ये वाली जो लेयर है ट्रॉपोस्फेयर है। उसके बाद जो आगे दूसरी लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये मोस्ट पार्ट कंटेन करती है ओजोन का, ठीक है। ये एक्सटेंड करती है हाइट 154,000 फीट या फिर 48 किलोमीटर फ्रॉम द लेयर, ठीक है, इससे, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं जिसकी अर्थ से, ये भी 48 किलोमीटर ऊपर जो लेयर में एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? कंटेन करती है मोस्ट ओजोन ऑफ द एटमोसफेयर, और एटमोसफेयर की जो मोस्ट ओजोन है लेयर ओजोन ओजोन का पार्ट है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। फ्लाइंग करने के लिए भी इससे लेयर बिल्कुल सुटेबल है। आप देखिए जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होती है इस लेयर के ऊपर ही फ्लाई करती है, ठीक है। पूरा प्रॉपर यहाँ इस लेयर में ठीक है। और मेन जो इम्पोर्टेंट है इस लेयर की वो क्या है? वो ओजोन है। ये लेयर ज्यादा से ज्यादा ओजोन को कंटेन करती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। उसके बाद थर्ड जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 262,000 फिट, ठीक है, एज कंपेयर टू वार्म अपर स्ट्रेटोस्फेयर, और टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इन द लेयर ऑफ मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस। इसको डी लेयर भी कहते हैं। मीजोस्फेयर जो है इसको डी लेयर भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर एक्सटेंड 3 लाख फीट क्लाउड से ज्यादा है या रेनबो वेव्स से इस लेयर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है इस लेयर में, ठीक है। और बहुत अगर क्लाउडी लेयर है, अगर सबसे ज्यादा क्लाउड की बात करें तो आपको थर्मोस्फीयर भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रॉपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और आयोस्फीयर आगे आप डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्या है? दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन हर लेयर अपनी अपनी कुछ ना कुछ चीज के लिए स्पेशलाइज है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ द ओजोन कंटेन करती है और ओजोन हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम स्टडी करते हैं। सन से बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। अगर मैं बात करूँ सन की तो ये जो लेयर होती है ये एब्जॉर्ब करती है उन हार्मफुल रेस को, और एब्जॉर्बेशन करने के बाद वो रेस अर्थ पे पहुंचती है, यानी कि उनकी जो एक तरीके से जो हार्मफुल इफेक्ट होती है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, तब जाकर वो अर्थ पे आती है और अर्थ पे वो लेयर हमारे ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो जो एक तरीके से मेन जो रोल प्ले किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव रेस होती है या फिर जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेस के नाम से जिनको हम जानते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जो जो रेस हमारे लिए हमारे एक तरीके से मेजर डिजीज क्रिएट कर सकती है, कैंसर, स्किन इफेक्ट वगैरह, जिसकी वजह से उन सबको एब्जॉर्ब करके जो उसका बहुत कम पार्ट ही हमारे तक पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये सारा काम हम लेयर के द्वारा किया जाता है। तो एटमोसफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटमोसफेयर में जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट. द एटमॉस्फेयर इज द प्रोएक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. जो जितनी भी एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक तरीके से ये ब्लैंकेट है गैसेस का विच इज सराउंडिंग टू द अर्थ, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द चैलेंजिंग एनवायरमेंट आउटर स्पेस. ठीक है. इट एब्जॉर्ब IR रेडिएशंस एमिटेड बाय द सन रेमिटेड फ्रॉम द अर्थ ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. It permit also transmission of significant amount of radiations only of the region of the 300 to 2500 nm. It act as a source of CO2, oxygen and nitrogen for the various biochemical cycles. The atmosphere transport water from the ocean to land. ठीक है. Atmosphere का भी काम होता है sea से पानी को transfer करना land. ठीक है. और जो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से क्या है तो वाटर बॉडी बॉडी में इवेपोरेशन कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. कंडेंसेशन का प्रोसेस होने के बाद वही पानी लावा की फॉर्म में बन के फिर अर्थ पर आता है. ये पूरी जो साइकिल चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा एटमोसफेयर का भी मेन रोल है. ठीक है. जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, वाटर बॉडीज है, एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्बेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज है, ये सब काम हमारे एटमॉस्फेयर का ही है. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एनवायरमेंट के लिए और लिविंग बींग्स के लिए ऑन द अर्थ. ठीक है. सो ओके, थैंक यू. आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं. इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसके फिगर का. एक फिगर बनाऊंगा और फिगर पे बताऊंगा कैसे कैसे कौन सी लेयर कहां पे एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. इससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड दीस लेयर्स. लेयर्स इंपॉर्टेंट है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है. मेनली स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. वहां आप और इस चीज को समझ सकते हो. इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को काफी कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, कैन यू डाउट मी, आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप भी दोबारा से डिस्कस कर सकते हो. ओके, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.